नमस्कार दोस्तों, मैं उदय UNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में यूपी GK के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब इसका दो भाग पढ़ चुके हैं, आज इसका तीसरा भाग है। यदि आपने पीछे का वह दोनों भाग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम सब जो है उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और उत्तर प्रदेश के सभी जिले, प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, हम सभी उन दोनों वीडियो कवर किए हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें हम सब उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका के बारे में और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली है, इन दोनों के बारे में आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब देखते हैं न्यायपालिका, यानी हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, हम सब उसे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। यानी देखिए, उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं। यानी जो एक उच्च न्यायालय है उसके नियंत्रण में जो अनेक अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि। देखिए, यह सभी जो न्यायालय हैं, यह सभी जो है उच्च न्यायालय के नियंत्रण में आते हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां आदि। आगे हम सब देखते हैं। देखिए, अब हम सब पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वह इलाहाबाद में है और जो खंड पीठ है वह लखनऊ में। देखिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह टर्म है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है वह इलाहाबाद है, मुख्य पीठ इलाहाबाद है और खंड पीठ जो है लखनऊ में है, इसे आप याद रखिएगा। अब आगे हम सब देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, देखिए 1866 ईस्वी में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी, और देखिए वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160 है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी, और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम सब जो है उच्च न्यायालय के बारे में पढ़े हैं, अब हम सब जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब अब जिला न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश होता है। यानी देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण जो होता है एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। यानी हर जिले में जो है एक जिला न्यायालय है, और उन जिला न्यायालय में जो है एक जिला न्यायाधीश होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए, जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। देखिए, इसे भी आप याद रखिएगा। तो जिला जज के अतिरिक्त जो है जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। और देखिए, इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों जज हैं, जैसे जो जिला जज हैं और इसके अतिरिक्त जो जिले स्तर का एक और न्यायाधीश हैं जिन्हें कहा जाता है जिला सेशन जज, इन दोनों की जो नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। और देखिए, अभी हम सब पीछे पड़े हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहाँ पर देखिए, जिला सेशन यानी जिला न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसे याद रखिएगा, वो राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। हम आगे देखते हैं। देखिए, जिला एवं सेशन जज के नीचे की अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों,
यानी पहला जो है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसे PCS जे भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया। इसे भी याद रखिएगा, तो जिला एवं सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भाग में बांटा गया है। तो ये दो भाग कौन कौन है, देखिए पहला जो है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा है, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा है। और देखिए इनकी नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। देखिए इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। फिर इसमें आगे देखिए लिखा है यहाँ पर सामान्यतः जो है ऐसी नियुक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। तो देखिए ऐसी जो नियुक्तियाँ की जाती है वह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। अब आगे हम सब देखते हैं, हम सब अब पढ़ेंगे राजस्व परिषद के बारे में। तो चलिए देखते हैं राजस्व परिषद के बारे में। देखिए राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद, यानी देखिए जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है। यानी यहाँ पर देखिए राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय जो है राजस्व परिषद है, और जो स्थित है वह प्रयागराज में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा, यानी जो है उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद स्थित है वह प्रयागराज में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यह है पारिवारिक न्यायालय। अब हम सब पारिवारिक न्यायालय के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो देखिए यह भी पूछ सकता है कि जो है प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना जो है किसके तहत की गई थी, तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए यह अब हम सब पढ़ेंगे लोक अदालत। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 क जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। तो देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 क जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। अब आगे हम सब देखते हैं इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। यानी देखिए इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में जो है राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर जो है तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे भी आप याद रखिएगा। अब आगे हम सब देखते हैं ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। तो यह हम सब पढ़े हैं, जो है हम सब लोक अदालत के बारे में इतना हम सब पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब हम सब आगे देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है यह है पंचायती राज प्रणाली। अब हम चलिए देखते हैं पंचायती राज प्रणाली क्या है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सब देखते हैं पंचायती राज प्रणाली क्या है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम जो है न्याय पंचायत कर दिया गया। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी आप याद रखिएगा। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम जो है न्याय पंचायत कर दिया गया। अब आगे हम सब देखते हैं 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी 1961-62 से जो है यहाँ पर देखिए आधार पर किया गया था। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय क्या क्या, तो देखिए ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जो है जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। देखिए यह जो प्रश्न है इनमें से एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो प्रश्न है यह UPPCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इन्हीं में से एक एक प्रश्न बन जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिए। अब आगे देखते हैं 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। तो चलिए हम सब देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसे याद रखिएगा। यहाँ पर 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि यानी संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन, संरचना, SC ST BC एवं महिला आरक्षण निश्चित का कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य शक्तियां और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। तो इतना आप याद रखिएगा। अब हम सब देखते हैं, देखिए हम सब सबसे पहले देखेंगे जिला पंचायत। देखिए यह जो त्रिस्तरीय जो यह है पंचायत प्रणाली है यानी अब हम सब देखेंगे पहला जो है इसमें जिला पंचायत है। चलिए हम सब देखते हैं जिला पंचायत के बारे में। देखिए जिला पंचायत यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था में
सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, इसे भी आप याद रखें। देखिए यह प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन सा आता है। देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत आता है, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए जिनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जिला पंचायत के जो है सदस्यों, यानी देखिए जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि इनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। अब आगे हम सब देखते हैं जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। देखिए जिला पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वह देखिए लिखा है कि चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव है, जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। तो देखिए जिला पंचायत जो है अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, इसे आप याद रखिएगा। तो जिला पंचायत जो है अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। तो ये समितियां कौन कौन है, तो देखिए एक होता है प्रशासनिक समिति, दूसरा जो है नियोजन एवं विकास समिति, तीसरा जो है शिक्षा समिति, चौथा जो है निर्माण कार्य समिति, पाँचवा जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा छठा जो है जल प्रबंधन समिति, इसे आप याद रखिएगा। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है क्षेत्र पंचायत। हम सब देखिए इसके पहले जो हम सब पढ़े जिला पंचायत पढ़े हैं, अब हम सब पढ़ेंगे इसमें क्षेत्र पंचायत। देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम सब इसके पहले जो पढ़े हैं जिला पंचायत, उसमें लिखा था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो है शीर्ष स्थान पर जो है क्षेत्र, वहाँ पर देखिए जिला पंचायत होता है। और देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्थान पर क्षेत्र पंचायत होता है। देखिए प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए प्रमुख का चुनाव जो किया जाता है ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे हम सब देखते हैं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। अब आगे हम सब देखते हैं क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते। देखिए क्षेत्र पंचायत जो है जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस पंचायत का जो सचिव होता है वह BDO होता है। और देखिए यह भी यानी यहाँ भी वही 6 समितियाँ बनाई जाती है जो हम सब जिला पंचायत में बनाई जाती है, यानी जो जिला पंचायत में बनाई जाती है वही 6 समितियाँ जो है यहाँ पर भी क्षेत्र पंचायत में भी बनाई जाती है। तो ये 6 समितियाँ कौन कौन थी, तो देखिए एक जो थी प्रशासनिक समिति, दूसरा जो था वह नियोजन एवं विकास समिति, तीसरा शिक्षा समिति, चौथा निर्माण कार्य समिति, पांचवा जो था स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा छठा जो था जल प्रबंधन समिति। यानी आप यही देखिए जितनी समितियां जो है जिला पंचायत में बनाई जाती है वही वही समितियां जो है क्षेत्र पंचायत में भी बनाई जाती है। अब हम सब अगला देखते हैं, देखिए हम सब जो है जिला पंचायत पढ़ चुके, क्षेत्र पंचायत पढ़ चुके, अब हम सब जो है ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्राम पंचायत जो होता है वह सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, इसे याद रखिएगा, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाते हैं। तो देखिए इन लोगों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जिसमें जो है जनता जो है मतदान करती है वही जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी देखिए ग्राम पंचायत जो है यह कह रहा है कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। आगे हम सब देखते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष, इसे भी आप याद रखिएगा।
तो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष है, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है, यहाँ भी पूर्व उक्त 6 समितियाँ बनाई जाती है, यानी यह देखिए आप जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत इन तीनों में जो है कुल 6-6 समितियाँ बनाई जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक था, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।